तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब दिल से बोलूंगा, साउथ इंडस्ट्री वाकई में ग्रोथ की हाईएस्ट पीक पर चल रही है, क्योंकि ऑल टाइम न्यू क्रिएटिविटी वहीं से देखने को मिलती है। भाई साहब आजकल डायरेक्शन बेस्ड मूवी ज्यादा हिट हो रही है, डायरेक्टर का मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी ऑर्डिनरी कंटेंट को चार चांद लगाने के लिए। यह दोस्तों कंगुवा इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। जहां डायरेक्टर की बात करें तो राजा मौली जैसा नाम सबसे ऊपर आता है, साथ ही प्रशांत नील जैसे दिग्गज डायरेक्शन को भी सीधा टक्कर देते हुए डायरेक्टर सिवा एंट्री मारते हैं अपने न्यू क्रिएशन के साथ। भाई साहब कॉन्टेंट बहुत धांसू लग रहा है, स्टोरी में वाकई मजा तो आने वाला है। देखो टीजर को बोला गया था कि 6 भाषा में रिलीज कराया जाएगा, लेकिन सभी में रिलीज नहीं कराया गया। ऑफिशियल लैंग्वेज तेलुगु है और मैं उसी भाषा में ये टीजर देखकर आ रहा हूँ, कसम से कह रहा हूँ एक नंबर टीजर है। हालांकि लैंग्वेज बैरियर था, लेकिन उसके बावजूद भी पूरा कनेक्शन फील हुआ है कॉन्टेंट से। और यस यही चीज शो करती है कि तुम्हारी डायरेक्शन में दम है, तुम्हारे कंटेंट में दम है। तो नो नीड ऑफ लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड, विदाउट एफर्ट यू फील दैट थिंग। और यही हुआ, सीधा दिल से कनेक्शन क्रिएट करा डायरेक्शन ने। इसी के साथ एंट्री ऑफ सूर्या, भाई मजा आ गया। इस बंदे में भी बहुत पोटेंशियल है, बस इसके पोटेंशियल के निखार के लिए किसी ऐसे ही कॉन्टेंट की जरूरत थी। लाइक KGF ने यश को चमकाया था, बाहुबली ने प्रभास को चमकाया था, तो अब मुझे लग रहा है कि बारी अब सूर्या की है। बहुत धांसू एक्टिंग दिख रही है उसकी तरफ से। एक वॉरियर कैसे जंगली और निर्दयी होना चाहिए, उसने बिल्कुल उस हाइप को मैच किया है, बिल्कुल वाइकिंग वाला फील आ रहा है। दोस्तों मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इस लेवल का टीजर होगा। हाँ सूर्या को हम जानते हैं, दमदार एक्टर है, मूवी जो भी लाएगा जबरदस्त लाएगा, लेकिन इस लेवल का कंटेंट लेकर आएगा जो सीधा एक बार के लिए कहूं तो जवान और सालार तक के हाइप को मैच करने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल तो टीजर ही आया है, अभी वो तो ट्रेलर में पता लग जाएगा कि मूवी में आखिर दम कितना है। वैसे मूवी को रिलीज अर्ली 2024 में करा जाना है। बाकी दूसरी चीज भाई साहब, इसका म्यूजिक एकदम जहर, मतलब BGM का ऐसा जबरदस्त तांडव मैंने बहुत कम देखा था। ऑनेस्टली दोस्तों BGM बहुत धांस हुआ यार। जो एरा, जो वाइल्डिस्ट निर्दयी जंग का माहौल टीजर में बना है, उसे पूरा का पूरा मैच कर रहा है इसका BGM। भाई साहब सबसे भयंकर सीन तो वो लगा जब सूर्या भाला फेंक कर मारता है और पीछे से म्यूजिक जो सनसनी क्रिएट करता है, बिल्कुल अपने एक एक मोमेंट से लोगों को कनेक्ट कर लेता है। और लास्ट में वो कंगा कंगा कंगुआ वाला जो सीन है, भाई साहब नेक्स्ट लेवल है, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल, अमेजिंग। ये मूवी डायरेक्शन के बेस पर ऐसी आग लगाने वाली है इंडियन सिनेमा में, और एक लेसन बॉलीवुड को जरूर देकर जाएगी कि ओरिजिनल पर काम करो, रीमेक पर नहीं। तो सब मूवी को 350 करोड़ के टोटल खर्चे पर कंप्लीट करा गया है, जिसमें मेन लीड में आपको सूर्या देखने को मिलेंगे और दिशा पटानी जी का भी अहम रोल आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। अगर आप भी टीजर देख लिए हैं तो आपको टीजर कैसा लगा? दूसरा, क्या जवान और सालार का लेवल मैच कर पाएगी ये मूवी? फटाफट अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।